कांड साठी ग्रंथालय का परिसर चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण तीसरे कंडी का कुछ विचार हो गया है। आगे एक विश्व कंडिका के बारे में विचार करना है। आगे मंत्र है, जिस अवस्था में अविद्या के द्वारा अज्ञान के कारण जब द्वैत उपस्थित हो जाता है, अज्ञान से द्वैत खड़ा किया जाता है, जागृत स्वप्न दो अवस्था ऐसी है, द्वैत है ही नहीं किंतु अज्ञान के द्वारा भासता है। यत्र वने जिस अवस्था में जिस काल में जागृत स्वप्न में अन्य दिवस आता है, वास्तव में अन्य नहीं, अन्य जैसा हो जाता है, द्वैत जैसा हो जाता है, वास्तव में द्वैत है नहीं। वास्तव में द्वैत हो तो समाधि में कहाँ द्वैत है, सुषुप्ति में कहाँ द्वैत है, वास्तव में अन्य लगा बोलते अन्य जैसा होता है। तत्र उस अवस्था में जहाँ अन्य जैसा खड़ा हो जाता है विद्या के द्वारा, वास्तव में द्वैत है नहीं, तत्र में उस अवस्था में अन्यो अन्य पश्चेत आत्मा अन्य होकर के अन्य वस्तु को देखे, त्रिपुटी उस काल में होती है जहाँ द्वैत खड़ा हो जाता है विद्या के द्वारा, अरे द्वैत है ना, द्वैत जैसा होता है, अन्य जैसा होता हो उसके उस काल में अन्यो अन्य पश्चेत आत्मा देखने वाला होगा और अन्य विषय होगा और दर्शन क्रिया दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटि उस काल में होता है। और अन्यो अन्य जिग्रेत अन्य आत्मा अन्य होगा, तृप्ति अन्य होगा और विषय अलग होगा और घ्राण घ्राण क्रिया भिन्न होगा, घ्राण क्रिया सुगना भिन्न होगा, जिग्रण क्रिया ही है। अन्यो अन्य रसायन कहा, अन्य आत्मा अन्य होकर के सूखने वाला अन्य होगा और रस जो विषय हुआ आस्वादन और रस रस लेना जो क्रिया है रस रसन क्रिया इत्यादि होता है। अन्यो अन्य बदेत कहते हैं दूसरा होकर के दूसरे के साथ बोलिए अमुक वस्तु ऐसा बोलिए उसका मतलब अविद्या के द्वारा जब द्वैत जैसा होता अन्य जैसा होता हो, वास्तव में अन्य नहीं है, अरे अन्यो अन्य श्रुणयात अन्य होकर के अन्य को सुने शब्द को सुने मैंने शब्द सुनने वाला होकर के श्रोता बन करके शब्द को सुने उस काल में होता है। और अन्यो अन्य मनवीता का अन्य अन्य को मनन करे, मंतव्य विषय अन्य मंता अन्य मनन क्रिया अन्य उसका आगे त्रिपुटी होगी। जिस अवस्था में अविद्या के द्वारा द्वैत जैसा लगता हो ये जागृत स्वप्न में ऐसा होता है। अन्यो अन्य प्रशेत अन्य प्रष्टा बन कर दे स्पर्श करने वाला होगा और पर्सन क्रिया होगी और पर्सनीय पर्सनीय वस्तु होगा ऐसे अविद्या के द्वारा भासता है त्रिपुटी। और अन्यो अन्य विजान याद कहा अन्य होकर के अन्य को जाने कम जिस अवस्था में अन्य जैसा होता अन्य वास्तव में नहीं है, यदि वास्तव में अन्य हो तो सुषुप्ति में भी
भेद पाया जाना चाहिए, सुषुप्ति में कोई भेद पाया नहीं जाता, समाधि में नहीं पाया जाता, अन्य जैसा होता है जागो स्वप्न का कहना यही कहा। टिप्पणियां एक नंबर की, एवं सुषुप्त अविद्या उत्थ द्वैता अभाव विशेष विज्ञान अभाव इति व्यतिरेक होता। अभी तक पूर्व में जो कहा गया है कि सुषुप्ति अवस्था में अविद्या से उत्पन्न द्वैत नहीं है, अविद्या भाषा अविद्या से उत्पन्न माने जैसे रज्जु में सर्प उत्पन्न होना अविद्या का कार्य है, वास्तव में सर्प है नहीं, मरुभूमि में जल अविद्या का कार्य है, मरुभूमि में जल होता है अविद्या के द्वारा खड़ा कर दिया जाता है, तो ये अविद्या का कार्य। जागृत स्वप्न में कोई वस्तु यहाँ भी नहीं है, ये कहते हैं एवं सुषुप्त हो के पर बोल रहे हैं, एवं सुषुप्त हो अविद्या द्वैता भाव सुषुप्त अवस्था में अविद्या से उत्पन्न द्वैत का अभाव होने से, अविद्या के द्वारा खड़ा होने वाला जो द्वैत है उसका अभाव होने से विशेष विज्ञान का अभाव होता है। सुषुप्त अवस्था में यद वही तन्न पश्यति पश्यन वही तन्न पश्यति करें विशेष ज्ञान का अभाव दिखाया था पूर्व कंडिकाओं में, विशेष विज्ञान का अभाव इति व्यतिरेक उत्पन्न माने अविद्या से उत्पन्न द्वैत के अभाव होने से विशेष विज्ञान का अभाव होता है। कहाँ देखा? सुषुप्त में देखा, व्यतिरेक देखा। अब कहते हैं जागृत आदौ, जागृत आदि अवस्था आदि से स्वप्न, जागृत स्वप्न में तो तस्मिन सती माने अविद्या के द्वारा उत्पन्न द्वैत होने पर, जागृत स्वप्न में अविद्या के द्वारा खड़ा किया गया द्वैत है, वास्तव में है ही नहीं, भासना है, जैसे रज्जु में सर्प भासता है, सुक्ति के टुकड़े में चांदी के भास होता है, तो वास्तव में द्वैत नहीं। जागृत आदौ तो जागृत आदि अवस्था में तस्मिन सती माने अविद्या के द्वारा खड़ा किया द्वैत होने पर तत् माने विशेष विज्ञान, यही है अविद्या सत्व विशेष विज्ञान, अविद्या अभाव विशेष विज्ञान अभाव, अविद्या के द्वारा जो द्वैत खड़ा हो गया है वो होने पर विशेष विज्ञान होता है, घट है पट है मठ है, अविद्या के द्वारा खड़ा किया वास्तव में है ही नहीं, और अविद्या से उत्पन्न द्वैत जिस काल में नहीं होगा उस काल में विशेष विज्ञान का अभाव होगा। जागृत आदौ तस्मिन सती उसके होने पर विशेष विज्ञान इत्यादि का माने अविद्या के द्वारा उत्पन्न द्वैत के न होने पर विशेष विज्ञान का अभाव है। कहाँ देखा? सुषुप्ति में देखा। और अविद्या के द्वारा उत्पन्न विशेष जहाँ द्वैत खड़ा दिखाई पड़ता है उसका जो विशेष विज्ञान होता है यत्र इत्यादि का। यस्मिन जागृते स्वप्ने भाव, जिस जागृत अवस्था में हो अथवा स्वप्न अवस्था में हो, अन्य जैसा लगता है, अन्य इव इत्यादि भाष्य प्रश्न भाष्य प्रश्न एक बार अन्य दिवस्या इत्यादि, जिस अवस्था में अन्य जैसा होता है तब स्वप्न में जागृत, वास्तव में अन्य है ही नहीं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं औपाधिको दृष्टियादि भेदो न वास्तव, जो दृष्टि आदि भेद है ना, दृष्टे दृष्टा दृष्टो दृष्टे विप्रलोको न विद्यते श्रोत्र श्रुते विप्रलोको न विद्यते, पूर्व में कहा गया था घ्रातुर घ्राते विप्रलोको न विद्यते इत्यादि जो कहा था, औपाधिक औपाधिक है वास्तव में दृष्टि नहीं, वो तो दृक् स्वरूप ही है। औपाधिको दृष्टियादि भेद, जो दृष्टि श्रुति आदि जो कहा गया था पूर्व में सात पर्याय में दृष्टि अंगत औपाधि है, वास्तविक नहीं है, न वास्तव इति वास्तव अस्तित्व उपाध्य कथन करके वृत्तम अनुद्रवती, पूर्व की बातों का कथन करते हैं, पूर्व की बातों को थोड़ा कथन करते हैं। कहा जागृत इत्यादि भाषण कहा जागृत स्वप्न रिवा, जैसे जागृत और स्वप्न में यद विजानियात जो जान सके, सुषुप्त में जान नहीं सकता, क्यों? अविद्या के द्वारा खड़ा किया हुआ द्वैत नहीं है, इसलिए विशेष विज्ञान नहीं होता हुआ, ये घट है पट है मठ है ज्ञान नहीं होता। ये दोनों मट्टी मैंने बता दिया, सुषुप्ति अवस्था में जागृत स्वप्न रिवा, सुषुप्ति अवस्था में विशेष विज्ञान क्यों नहीं होता, ये प्रश्न आता है। जागृत स्वप्न रिवा ये बिजा लिया, जिसको जाने तद द्वितीय प्रतिवर्तन अन्य नास्ती उत्तम, द्वितीय पदार्थ जो आत्मा से विभक्त हो द्वितीय पदार्थ हो वो नहीं है, ऐसा कहा पहले सुषुप्ति में, इसलिए नहीं जानता
आत्मा से भिन्न दूसरा वस्तु नहीं है, इसलिए विशेष विज्ञान का अभाव कहा नहीं देखता आदमी ही कहा था। तद द्वितीय में तीन नंबर की टिप्पणी में कहा तृतीय मन स्वस्पात वर्णन माने दृष्टा से भिन्न दृष्टि आदि नहीं उसका अंदर, विशेष विज्ञान है विशेष वस्तु नहीं है, विभक्त वस्तु नहीं है, विभक्त वस्तु होता तो उसका ज्ञान होता विशेष विज्ञान होता, सुषुप्ति में नहीं विशेष वस्तु अविद्या के द्वारा खड़ा करने वाले पर विभक्तम माने ज्ञेय जातम जितने भी जानियों की वस्तु का अभाव है वहाँ विभक्त नहीं है, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है सुषुप्ति अवस्था में, स्वभिन्नत्व नास्ति आत्मा से भिन्न रूप से कोई वस्तु नहीं सुषुप्ति अवस्था में, इसलिए विशेष विज्ञान का अभाव कहा। अतः सुषुप्ति विशेषम न विजानाति, इसलिए सुषुप्ति अवस्था में विशेष को नहीं जानता है इति उत्तम ये पहले कहा इति संबंध ऐसा कहा। आगे भाष्य में कहते हैं उत्तम जागृत स्वप्न विजानिया, जैसे सुषुप्ति अवस्था में जो जान सके जागृत स्वप्न में जैसे जानता था वह तद द्वितीय माने आत्मा से विभक्त वस्तु प्रविभक्त अन्यत्व नाती आत्मा से भिन्न रूप से कोई वस्तु नहीं है, इसलिए वह द्वितीय रूप से जान नहीं सकता विशेष विज्ञान का अभाव होता है उत्तम कहा। अतः इसलिए सुषुप्ते न विजानाति विशेषम, इसी कारण से सुषुप्ति अवस्था में विशेष को नहीं जानता क्यों आत्मा से भिन्न कोई वस्तु विशेष वस्तु है नहीं अन्य वस्तु नहीं है ये कहा। नानो यदि अस्य अयमेव स्वभाव किम निमित्तम अस्य विशेष विज्ञानम स्वभाव परित्यागेन, पूर्वादि बोलता है शंका उठाता है कि यदि अस्य अयमेव स्वभाव इसका स्वभाव यदि ऐसा है आत्मा का विशेष विज्ञान का अभाव वाला स्वभाव है, विशेष विज्ञान नहीं सुषुप्ति अवस्था में दिखाया यदि ऐसा स्वभाव आत्मा का है तो किम निमित्तम अस्य विशेष विज्ञानम स्वभाव परित्यागेन, क्या कारण किस कारण से किस हेतु से ऐसा होता है कि विशेष विज्ञान क्यों होता है, इसका स्वभाव यदि विशेष विज्ञान का अभाव वाला है विशेष विज्ञान नहीं होता आत्मा को ऐसा हो फिर किस कारण से विशेष विज्ञान होता आत्मा को, स्वभाव परित्याग अपना स्वभाव को परित्याग कर विशेष विज्ञान कैसे होता आत्मा को, यदि स्वभाव विशेष विज्ञान का अभाव वाला है विशेष विज्ञान नहीं होता आत्मा को तो उस स्थिति में विशेष विज्ञान क्यों होता आत्मा, क्या कारण है अपने स्वभाव को क्यों परित्याग करता विशेष विज्ञान के लिए, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न अतः विशेष विज्ञान में अस्य स्वभाव, यदि विशेष विज्ञान ही इसका स्वभाव हो जागरण स्वप्न में विशेष विज्ञान होता है यदि ऐसा स्वभाव हो कस्माद ऐसा विशेष विजानाती, फिर सुषुप्ति अवस्था में विशेष को क्यों नहीं जानता, दो प्रश्न खड़ा कर दिया। यदि विशेष विज्ञान का अभाव स्वभाव हो आत्मा को विशेष विज्ञान नहीं होता सुषुप्ति में नहीं होता बोला तो फिर किस कारण से विशेष विज्ञान होता है इस आत्मा को, क्या हेतु है, यदि विशेष विज्ञान स्वरूप ही है आत्मा तो फिर सुषुप्ति में विशेष विज्ञान क्यों नहीं होता, एक पूर्वादि की संज्ञा है अभिजनाति इति ये जो कहा इति उच्यते से इस उसका उत्तर दिया जाता कहा जाता है शुरू करके बोलते हैं आगे टिप्पणियाँ हैं चार से लेकर के सात तक है। चार में कहा यदि अस्य अयम स्वभाव चार में आत्मा इस आत्मा अस्य मना आत्मा इस आत्मा का यही स्वभाव है कि विशेष विज्ञान का अभाव स्वभाव है अयम एव स्वभाव पांच के टिप्पणी बताया निर्विशेष दृष्टि रहे आत्मा की दृष्टि निर्विशेष है विशेष दृष्टि नहीं है यही स्वभाव ऐसा है तो फिर विशेष विज्ञान के कारण क्या क्यों होता है विशेष विज्ञान आत्मा का स्वभाव निर्विशेष स्वरूप है निर्विशेष दृष्टि है तो विशेष विज्ञान क्यों होता है इसकी जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में विशेष विज्ञान होता है घटम पटमट जानता है क्यों होता है ये प्रश्न है। अयमेव स्वभाव ने कहा छः में कहा जागरण स्वप्न हो विशेष विज्ञान कहाँ होता है जागरण स्वप्न में क्यों होता है यदि स्वभाव निर्विशेष दृष्टि है आत्मा की तो जागृत स्वप्न में विशेष विज्ञान क्यों होता क्या निमित्त है इसका ये पूर्वादि पूछ रहा है। अतः विशेष विज्ञान में अच्छा स्वभाव कहेंगे जागृत स्वप्न में विशेष विज्ञान होता है यही स्वभाव है आत्मा का विशेष विज्ञान वाला ही स्वभाव है फिर सुषुप्ति में विशेष विज्ञान क्यों नहीं होता दोनों तरफ से पकड़ रहा हूँ स्वभाव कस्माद ऐसे विशेष विशेष हमने विराट आती साथ में कहा सुषुप्ति अवस्था में विशेष को क्यों नहीं जानता यदि विशेष विज्ञानी स्वभाव है तो सुषुप्ति अवस्था में विशेष को क्यों नहीं जानता घटपट क्यों नहीं जानता ऐसे दोनों तरफ से पूछा गया यदि निर्विशेष दृष्टि है तो विशेष विज्ञान किस कारण से होता है इसको और यदि विशेष विज्ञान स्वरूप ही है आत्मा
स्वभाव वाला है, फिर सुषुप्ति में विशेष को क्यों नहीं जानता? ऐसा प्रश्न आया उच्चते ग्रंथ से, उत्तर देते सुनो सुनो कहते हैं इसको सुनो। यत्र माने यस्मिन, तो मंत्र का अर्थ कर रहे यत्र, यत्र वै अन्य दिवस्यात् इत्यादि बोलना इसी का अर्थ है। यत्र माने यस्मिन जागृते स्वप्न में, जिस जागृत अवस्था में हो चाहे स्वप्न अवस्था में हो, दोनों अवस्थाओं में अन्य दिवस, श्रुति ने कहा अन्य जैसा होता हो, वास्तव में अन्य नहीं है, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है नहीं। अन्य दिवस्यात् अन्य दिवस माने आत्मा हो वस्तुअंतरम एव, अन्य कौन, आत्मा से भिन्न वस्तु जैसा होता है, विशेष वस्तु अविद्या के कारण होता है, वस्तुअंतरम एव अविद्या प्रत्युपस्थापित, वास्तव में वस्तु नहीं है, अविद्या के द्वारा उपस्थित किया गया वस्तु है, जैसे रज्जु में सर्प दिख रहा अविद्या का कार्य है, रज्जु सर्प भासता है, वस्तु न होते हुए वस्तु भासना, जागृत स्वप्न के सारे वस्तु ऐसे ही है, वस्तुअंतर माने अविद्या प्रतिपस्थ, आत्मा से भिन्न वस्तु खड़ा कर दिया जाता है अविद्या के द्वारा, वस्तु नहीं वस्तु का आभास उपस्थित हो जाते हैं, जो वस्तु अविद्या के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं वस्तु आत्मा से भिन्न, तत्व माने उस अवस्था में, दो नंबर त्रिपण में कहा तस्मिन अवस्था विशेष है, जिस अवस्था में आत्मा से भिन्न वस्तु अविद्या के द्वारा भिन्न जैसा वस्तु खड़े किए जाते हैं, उस अवस्था में जब विशेष वस्तु खड़े किए गए अविद्या के द्वारा, तस्मात अविद्या प्रत्युपस्थापित, अविद्या के द्वारा जो खड़े किए वस्तु से अन्यो अन्यमिव, अन्य माने आत्मा, अन्यमिव अपने को अन्य जैसा मानता है, आत्मा से भिन्न जागृत में भी कोई वस्तु नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, आत्मा ही अपने को ही अन्य जैसा मानता है, अन्य आत्मा अन्य जैसा मानता है, अन्य मेरा दोस्त दो रूप मानता है, आत्मा मन मानो अपने को ही अन्य जैसा मानता हुआ, वास्तव में अन्य है ही नहीं, जागृत में भी स्वप्न में भी आत्मान अन्य मन मानो असती आत्मा प्रविभक्ते वस्तुअर है, आत्मा से विभक्त वस्तु उस काल में भी नहीं, जागृत में भी स्वप्न में भी नहीं है, अविद्या के द्वारा प्रतिपा उपस्थान विषय है, वास्तव में वस्तु है ही नहीं, असत ही आत्मा प्रविभक्त वस्तु, आत्मा से भिन्न वस्तु विभक्त वस्तु का अभाव होने पर जागृत में भी विभक्त वस्तु है ही नहीं, कोई वस्तु नहीं है, आत्मा ही है, तो अविद्या के द्वारा वस्तु दिखाई दे रहा है, अन्य वस्तु दिखाई दे रही वस्तु, और असत्य से आत्मा ने तदा प्रवृत्ति वस्तु से अतिरिक्त आत्मा भी विभक्त नहीं होता वहाँ भी जागृत में भी, आत्मा ही है ना, वस्तु आत्मा से भिन्न हो सकते हैं क्यों, है ही नहीं वस्तु, ना आत्मा वस्तु से भिन्न हो सकता है, वस्तु है ही नहीं क्या भिन्न होना है, जागृत में स्थिति ऐसी है, किंतु अविद्या के द्वारा खड़ा किए गए हैं उस काल में अन्य जैसा होकर के अन्य को देखता है, यही कहना है, तीन की टिप्पणी हो गई थी, तीन में कहा वस्तु को प्रभाव रहा तस्मात का वस्तु से अथवा भ्रम से अविद्या के द्वारा उपस्थापित इत्यादि कहा, चार में कहा ततः प्रविभक्त, ततः माने प्रमेय, प्रमेय से आत्मा विभक्त ही नहीं, प्रमेय ही नहीं तो क्या वहाँ विभक्त होना है, माने रज्जु न रज्जु से सर्प भिन्न होता है, उसका जो भ्रम होता है यहाँ न सर्प से रज्जु भिन्न होती है, रज्जु ही एक ही हो, इसी प्रकार जागृत में भी आत्मा ही है, अज्ञान के द्वारा जैसे रज्जु में सर्प खड़ा कर दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ वस्तु खड़ा कर दिया गया, न होता हुआ वस्तु आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है, फिर भी उस काल में अविद्या के कारण आत्मा अपने से भिन्न मान करके वस्तु को मान करके उसको देखना सुनना आदि करता है, अज्ञान के कारण ये बोलना है, तथा मैंने प्रमेयाद हो गए प्रयोग के अन्यो अन्य पश्चिद कहा, और पाँच और छः की टिप्पणी बता दें इसको, पाँच में कहा अन्वयार्थ ने दोबारा कह दिया अन्यो अन्य पश्चिद आदि, तो अन्वय संबंध लगाने के लिए स्वस्मान भिन्नम कहा, अन्य माने अपने से भिन्न उपलब्धि कहा, पश्चिद माने उपलब्धि, उपलब्धि करता है आत्मा अविद्या के कारण, वस्तु है ही नहीं फिर भी वस्तु जैसा खड़े हो जाते हैं अविद्या के द्वारा, उस काल में अन्य को उपलब्ध करता है, वस्तु की प्राप्ति करता है, यह आता है, तच्च दर्शितम स्वप्ने प्रत्यक्षतो ग्रहंती जनंती वैदी, तत् माने जो अविद्या का जो दर्शन है, अविद्या के द्वारा दिखने वाला दर्शन, तत्दर्शनम अविद्या के द्वारा खड़ा होता है वो देखना, दर्शितम पहले दिखाया कहा,
स्वप्ने स्वप्नावस्था में जा करके दिखाया था विषय कंडिका विषय ये चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के विषय कंडिका में कहा प्रत्यक्ष करके दिखाया क्रांति व स्वप्न अवस्था में ऐसा लगता है मारते हैं कोई आकर के और जिनंती व अधीन करते परवश करके चले जाते हैं ऐसा लगता है वहाँ अविद्या के द्वारा खड़ा है वो कोई मारने वाले भी नहीं स्वप्न अवस्था में जिस तरह के विचार अकेला पड़ा हुआ है न कोई मारने वाले होते हैं न कोई उसको बांध करके ले जाने वाले कोई होते हैं परवश करने वाले कोई होते नहीं अज्ञान के कारण कल्पना होती है सारी ठीक इस प्रकार पहले दिखाया जाता है तत्व वाले अविद्या कार्य जो दर्शन है अविद्या के द्वारा दिखने वाला द्वैत न होता हुआ भाषण दर्शितम पहले दिखाया गया कहाँ स्वप्न स्वप्न अवस्था में जाकर के दिखाया पहले विषय कंडिका में प्रत्यक्ष रूप से दिखाया क्रांति व स्वप्न दृष्टा को मारता जैसा होता आप मारते हैं लोग आकर के लगता है चोर आकर के मार रहे जैसा लगता है वास्तव में चोर है जिनंती व बांध करके ले जाते हैं परवश कर देते हैं ऐसा लगता है भासता है ही ना वहाँ ठीक इस प्रकार जागरण में भी कोई वस्तु नहीं आत्मा ही है आत्मा को छोड़ करके वस्तु नहीं कि अज्ञान के द्वारा खड़ा किए गए जैसे रज्जु में सर्प अज्ञान से जीवित होता है वास्तव में रज्जु में सर्प होता नहीं अज्ञान किसका ज्ञान अपना स्वरूप का ज्ञान रज्जु का ज्ञान रज्जु का ज्ञान होगा सर्प हो जाएगा इस प्रकार आत्मा आत्मागार करके भी जो बैठ पाएगा उसके लिए जगत हो जाएगा वेद समाप्त होगा ठीक कहना है तथा अन्य जगत जिस प्रकार अविद्या के द्वारा उपस्थापित वस्तु होने पर न होता हुआ वस्तु भाषने पर जैसे देखना होता है आत्मा अन्य होता है अन्य वस्तु होता है दर्शन क्रिया त्रिकुटी हो जाती है ठीक इसी प्रकार अन्य अन्य जिगृत अन्य आत्मा अन्य होकर के अन्य वस्तु को सुगंध मैंने सुगंध दुर्गंध को सुनने वाला हो जाता है अविद्या के द्वारा खड़ा किए गए सब और रसायन माने रसयिता आत्मा होकर के रस मान स्वाद को आस्वादन करने वाला हो जाता है विद्या काल जागृत स्वप्न और बदेत बोलने वाला होगा शब्द उच्चारण करने वाला बनता है श्रृणयात सुनने वाला होगा बनेगा मनवीता मनन करने वाला होगा प्रषेत स्पर्श करने वाला बनेगा और बीजानियात जानने वाला अन्य अन्य बीजानियात अन्य होकर के अन्य को जाने उस काल की बात है एक ठीक है यत्र इत्यादि उत्तर वाक्य वाक्यत व्यावर्त्याम आशंकाम दर्शयिका यत्र इत्यादि जो मंत्र है आगे का वाक्य है यत्र वही अन्य दिवस्याद इत्यादि मंत्र है इसके बाद कि व्यावर्तनीय जो शंका है खंडनीय शंका इसके द्वारा खंडनीय को दिखाते हैं कहा ननु इत्यादि भाषण का ननु कि यदि इसका यही स्वभाव है निर्विशेष दृष्टि वाला स्वभाव है फिर जागृत में स्वप्न में अपना स्वभाव को परित्याग करके विशेष ज्ञान क्यों होता है इसको एक और दूसरा यदि विशेष ज्ञान वाला ही स्वभाव है तो फिर सुषुप्ति में विशेष वस्तु का ज्ञान क्यों नहीं होता इसको ये प्रश्न है ये ननु के द्वारा कहा ठीक है कहते हैं किम से विशेष विज्ञान राहित्यम स्वरूपम किंबा विशेष विज्ञान वत्वम पूर्वादि का कहना है क्या विशेष विज्ञान रहित ही इसका स्वरूप है विशेष विज्ञान होता ही नहीं इसका आत्मा को कभी भी विशेष विज्ञान नहीं होता ऐसा स्वरूप है अथवा विशेष विज्ञान वाला ही स्वरूप है विशेष विज्ञान ही होता यदि विशेष विज्ञान स्वरूप ही है तो सुषुप्ति में क्यों नहीं होता विशेष विज्ञान और यदि विशेष विज्ञान रहित स्वरूप है तो जागृत में कैसे जागृत स्वप्न विशेष विज्ञान कैसे होता है पूर्वादि का प्रश्न यही है अश मैंने आत्मना टिप्पणी कहा ऐसा आत्मा का स्वभाव क्या है विशेष विज्ञान है वाला स्वभाव है अथवा निर्विशेष स्वभाव है निर्विशेष है तो जागृत स्वप्न विशेष ज्ञान क्यों होता अपने स्वभाव का परित्याग क्यों करता वहाँ यदि विशेष विज्ञान वाला है तो सुषुप्ति में अपना स्वभाव का परित्याग क्यों करता वहाँ विशेष विज्ञान क्यों नहीं होता ये प्रश्न पूर्वादि का था आद्य पूर्वादि से बोल रहा आद्य जागृत स्वप्न और अनुपत्ति यदि विशेष विज्ञान नहीं निर्विशेष स्वभाव वाला आत्मा है निर्विशेष दृष्टि वाला है तो जागृत और स्वप्न दोनों नहीं होना चाहिए क्योंकि जागृत स्वप्न दोनों में विशेष विज्ञान होता है
यदि दिल से स्वभाव है आत्मा का तो जागृत और संप्रति होना संभव नहीं है। ये पूर्वाद आती प्रथम वाला निर्विशेष स्वभाव वाला आत्मा हो तो जागृत स्वप्न और अनुपत्ति, जागृत स्वप्न दोनों की सिद्धि नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ विशेष विज्ञान होता है। 7 और 8 की टिप्पणी में कहा, 7 में कहा षष्ठंत है पर जागृत स्वप्न, जागृत स्वप्न दोनों अवस्थाओं में अनुपत्ति, क्यों क्या अनुपत्ति का तय विशेष विज्ञान स्वभाव है। जागृत स्वप्न तो विशेष विज्ञान मान स्वभाव वाला है, विशेष विज्ञान होता है। यदि आत्मा निर्विशेष है, निर्विशेष दृष्टि वाला है तो विशेष विज्ञान नहीं होना चाहिए, जागृत स्वप्न नहीं होना चाहिए, दोनों अवस्था आत्मा को नहीं होना चाहिए, निर्विशेष दृष्टि सब सुषुप्ति में है, ये पूर्वादि का कहना है। द्वितीय सुषुप्ति रहती, द्वितीय क्या है विशेष विज्ञान या सुस्वभाव है, सुषुप्ति नहीं हो सकेगी फिर असिद्धि होगी, तो विशेष विज्ञान होगा तो सुषुप्ति कहाँ होगी। यदि आत्मा का स्वभाव विशेष विज्ञान वाला है तो सुषुप्ति में अपना स्वभाव त्यागेगा नहीं, फिर सुषुप्ति होगी नहीं, सुषुप्ति नहीं होनी चाहिए। ये दोनों तरफ से पूर्व पक्ष का खंडन कहा था, यही 9 की टिप्पणी बताया इसको, 8 की अनुपत्ति में 8 की टिप्पणी है, जागरण स्वप्न और अनुपत्ति है ना, 8 की कहते हैं तो और विशेष विज्ञान वो तो स्वभाव वाला, जागरण स्वप्न तो विशेष विज्ञान स्वभाव वाला है। आत्मा यदि निर्विशेष दृष्टि वाला है तो जागरण स्वप्न दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये पूर्वादि का कहा। तत्व विज्ञानम जागरण स्वप्न जो विज्ञान होता है जागरण व्यावहारिकम, विज्ञान दोनों में है, एक में व्यावहारिक विज्ञान है जागृत में और स्वप्न में प्राकृतिकम, प्राकृतिक व्यवहार है, इतना भेद है विज्ञान दोनों में, स्वप्न में भी जागृत में विशेष विज्ञान, एक में व्यावहारिक है एक में प्राकृतिक है, अन्य देते जो बात है ये बता दिया। तो सुषुप्ति असिद्धि 9 की टिप्पणी कहते हैं तस्या निखिल विशेष विज्ञान मिला स्वाभाव्यात, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था जो है ना संपूर्ण विशेष विज्ञान का अभाव वाला अवस्था है, मिलय वाली अवस्था है। यदि विशेष विज्ञान वाला ही इसका स्वभाव है तो सुषुप्ति नहीं होनी चाहिए इसको, क्यों उस सुषुप्ति अवस्था तस्या माने उस सुषुप्ति अवस्था जो है उसके निखिल विशेष विज्ञान मिलय स्वाभाव्यात, संपूर्ण विशेष विज्ञान के विलय स्वभाव है उसका, कोई विशेष विज्ञान नहीं होना तो फिर ये विशेष विज्ञान कैसे हो, क्यों नहीं होता उसका, एक कहा सुषुप्ति नहीं हो पाएगी विशेष विज्ञान वाला स्वभाव हो तो। एक कहा सिद्धांत बोलते हैं प्रतिचा चिन्मात्र ज्योतिष, देखो आत्मा कोई दृष्टा दृश्य आदि कोई कुछ भी नहीं, आत्मा एक केवल चेतन मात्र है। प्रतिचा जो आत्मा है ये आत्मा चिन्मात्र ज्योतिष, चेतन मात्र एक ज्योति प्रकाश रूप है, चेतन मात्र है, विशेष विज्ञान रहित स्वरूप, आत्मा का स्वरूप तो विशेष विज्ञान रहती है, विशेष विज्ञान तो अविद्या के द्वारा खड़ा किया जाता है विषयों को न होते हुए विषय को उपस्थापित कर दिया जाए, उसका में विशेष विज्ञान होता है। आत्मा का स्वभाव तो यही है कहते हैं प्रतीचा चिन्मात्र ज्योतिषा, आत्मा है प्रति प्रत्येक आत्मा वह चिन्मात्र ज्योति स्वरूप है, विशेष विज्ञान राहित्य में एवं स्वरूप, उसका स्वरूप तो विशेष विज्ञान रहती है, विशेष विज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है, कहाँ देखा सुषुप्ति में देखा समाधि में देखा वही स्वरूप है, तथापि फिर भी है तो विशेष विज्ञान का अभाव स्वरूप है, फिर भी स्वाविद्या कल्पिता अपने जो अज्ञान से कल्पना कल्पित, अपने अज्ञान से स्वयं का अविद्या कल्पिता स्वयं की जो अविद्या है उसे कल्पित विशेष विज्ञान वत्व आश्रित, विशेष विज्ञान वत्व के आश्रय लेकर के विशेष विज्ञान वाला आश्रय लेकर अवस्था द्वयम सिद्धति, जागृत स्वप्न की सिद्धि हो जाती है, वास्तव में स्वभाव तो विशेष विज्ञान रहित स्वभाव है, फिर भी अविद्या के द्वारा अपने ही अविद्या के द्वारा जो कल्पित रज्जु में सर्प कल्पना होती है, किसके अविद्या रज्जु के तरह के दृष्टा की अविद्या, सर्प दृष्टा की अविद्या है, वहाँ जो सर्प दिखता है उसी की अविद्या से वह काम हो रहा है, ठीक इस प्रकार स्वविद्या कल्पित अपने अविद्या के द्वारा कल्पित विशेष विज्ञान वत्व आश्रित, विशेष विज्ञान वत्व को लेकर के स्मृति ने कहा अवस्था में भी सिद्धि थी, जागृत स्वप्न में सिद्धि हो जाती है। उत्तर वाक्यम अवलंब उत्तर वाक्य, उत्तर वाक्य यत्र वै इत्यादि है, यत्र वै अन्य दिवस्यादि इत्यादि वाक्य ही है, उसको लेकर के उत्तर देते उच्चते ग्रंथ से का भाष्य उच्चते श्रवण कहा ठीक है कहते हैं तच्च आदित्यम दर्शनम, जो तच्च पर भाष्य दिया था उसका अर्थ
आविद्यक दर्शन है वो, जो आविद्यक दर्शन जो है दर्शितम पहले दिखाया, अविद्या से दर्शन होता है, अविद्या से भी ज्ञान होता है, अविद्या के कारण ज्ञान होता है, कैसा ज्ञान, भ्रम ज्ञान होता है, कैसे क्या कैसे स्वप्न प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वप्न में दिखाया, स्वप्न दृष्टा को भ्रांति व चोर आकर के मारते हैं जैसा लग होता है उस काल में, चोर है ही नहीं वहाँ ऐसा लगता है, और जिनंती व माने परवश करके बांध के ले जाते हैं ऐसा लगता है, विद्रायती व हाथी दौड़ा देते हैं सामने ऐसा लगता है, स्वप्न दृष्टा को ऐसे ऐसे भान होता है, वास्तव में वह हाथी है न दौड़ना क्रिया है स्वप्न में, न चोर हैं न कोई डकैत है जो बांध के ले जाते हैं, कोई अविद्या के द्वारा होता है कि पहले दिखाया कहा ये कह दिया। अच्छा आगे तो अग्रिम कंडिका है, मंत्र है, आत्मा का स्वरूप तो यही है बस, क्या है सलीला एको दृष्टा परमानंद शरीर स्वच्छ है, आत्मा का स्वभाव स्वच्छ है, मनुष्य भी पंचधातु स्वभाव वाला नहीं है, स्वच्छ शरीर मन स्वच्छ मन विजाति भिन्न शून्य, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु हो ऐसा नहीं है, आत्मा ही है स्वच्छ विजाति भेद से रहित है, यह अर्थ होता है एक और आत्मा एक है, सजातीय भेद से शून्य है, आत्मा जैसा दूसरा आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है, जैसे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य में भेद आता है सजातीय भेद, मृत पाषाण में जो भेद आता है विजातीय भेद मनुष्य का, ऐसा दोनों में विजातीय भेद भी नहीं है सजातीय भेद भी नहीं है। दृष्टा सारे जड़ पदार्थ हैं तो इसलिए आत्मा को दृष्टा कहा गया है, वास्तव में जड़ भी दृष्टा भी नहीं आत्मा का दृष्टा दृष्टा, अद्वैत अद्वैत है द्वैत नहीं अद्वैत है, स्वगत भेद शून्य है, अपने शरीर आय का भेद होता है हाथ से शरीर भिन्न है कान से शरीर भिन्न है ऐसा भी नहीं है, विजातीय भेद से भी रहित है सजातीय भेद से रहित है स्वगत भेद से भी रहित है आत्मा, अद्वैत बहुत ही ऐसा अद्वैत आत्मा का स्वरूप यही होता है जो कि सुषुप्ति अवस्था में पाया जाता है, उस समय का स्वरूप है तो उसी के ऊपर की अवस्था है या सविशेष अवस्था को लेकर ही चर्चा हो रही है, ये सब ब्रह्मलोक यही ब्रह्मलोक है, ब्रह्मस्वरूप लोक यही है, ये सुषुप्ति अवस्था के लोग जो स्वरूप है आत्मा जिस स्वरूप में होता है सुषुप्ति प्राज्ञ रूप में होता है परमात्मा रूप में होता है उसका प्राज्ञ भाव में होता है ईश्वर भाव में होता है, ये सब ब्रह्मलोक यही है ब्रह्मलोक, ब्रह्मी प्रलोक का ब्रह्मलोक का कर्मधार समास है ब्रह्मरूप लोक, सम्राट हे राजन हे महाराज ऐसा करके ही याज्ञवल्क्य जी ने उपदेश किया करते हैं, यही ब्रह्मलोक है सम्राट इतिहा एनम जनकम इस जनक को अनुशासा से याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने उपदेश किया, यही कहा क्या कहा सलीला एको
दृष्टा अद्वैत भवति एष ब्रह्मलोक संभव यही उपदेश दिया जैसे श्री ऐसा अस्य परमा गति यही गति परम गति है बाहर की गति परम गति नहीं यही परम गति है ऐसा अस्य ऐसा आत्मा के परम गति यही है परमाता भाव को परित्याग कर प्राज्ञ भाव में पहुंचना ये परम गति है ऐसा से परमा संबंध परम संपत्ति यही है इसकी संपद माने संपत्ति जागृत स्वप्न में गिड़गिड़ा रहा है जीव प्रक्रिया प्रमाता बनकर के घूम रहा है इसका परम संपत्ति यही है सुषुप्त अवस्था में प्राज्ञ भाव में होना परम संपत्ति यही है उसमें कोई भय नहीं किसी का डर नहीं कुछ नहीं काम क्रोधारी कुछ नहीं उस काल में यही परम संपत्ति है येसो अस्य परमो लोक इसे परम लोक यही है मुख्य लोक यही है और येसो अस्य परम आनंद अस्य माने इस आत्मा का परम आनंद यही है सुषुप्ति अवस्था को लेकर प्राज्ञवाद में परम आनंद यही है ये तस्व आनंद से है इसी आनंद का अन्यानि भूतानि मात्रा उपजयती अन्य भूत जितने भी हैं विषय जन्य जो सुख होता है आनंद मिलता है लोगों को इसी का एक कण मिलता है कण यही आनंद का ही है जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है हड्डी चबाने पर उसके मसूड़े से खून आते हैं कुत्ता समझता है इस हड्डी से खून आ रहा है किंतु रक्त जो आ रहा है जो स्वाद मिला अपने खून है अपने रक्त होता है सुखी हड्डी में कोई खून होता नहीं है भूल है किसी आनंद का कहते हैं ये तस्व आनंद से ये संक्षुप्त आनंद की चर्चा है यहाँ इसी आनंद के आत्मरूप आनंद परमानंद यही है इसका अन्यान्य भूतान्य अन्य जितने भूत हैं मात्राओं को जीवन दी मात्रा में कण मात्रा कहा जाता है उसी को उपभोग करते हैं विषय सुख है तो इसी का है पूरा सुख लेने पाते हैं और उस सुख को विषय से मिला ऐसा मानते हैं जैसे कुत्ता हड्डी से रक्त मिलता है मानता है तो अपने मसूड़े से रक्त आ रहा उसको माने वो विषय सामने होने पर भीतर का आनंद प्रकट हो जाता है आनंद बाहर नहीं विषय में नहीं भीतर आनंद का ही जागृत स्वप्न जो होता है जितने प्राणी हैं मात्राओं को जीवन की अध्ययन इसके एक कण लेकर के उपभोग करके बैठे हुए होते हैं टिप्पणियाँ हैं पूर्व पृष्ठ में टिप्पणी पूर्व पृष्ठ में टिप्पणी है शरीर के ऊपर है प्राकेन आत्मा संपरिस्वप्त यद्वै तन्न पश्यति इत्यादि ना विस्तरेण उत्तम प्राकेन आत्मा संपरिस्वप्त न बाह्यम किंचन वेदांतरम ऐसा कहा था एक स्त्री पुरुष का दृष्टांत दिया था जैसे भोग विलास काल में तदेता स्त्री संपरिशक्तो न बाह्यम किंचन वेदांतरम एवं ये आत्मा कहा था प्राज्ञन आत्मा संपरिशक्त प्राज्ञ आत्मा के साथ एक वर्ग बैठा जिस काल में प्रमाता भाव में नहीं है प्राज्ञ भाव में है कहाँ सुषुप्ति काल उसके साथ एकता करके बैठा हुआ यह आत्मा न बाहर कुछ जानता न भीतर कुछ जानता शरीर के बाहर का क्या है पता नहीं भीतर क्या हो रहा काम कर रहा है पता नहीं होता ये कहा था और यद्वै तन्न पश्यति पूर्वादि ने कहा था उस काल में दिखता नहीं आत्मा ज्योति स्वरूप नहीं है यदि ज्योति स्वरूप होता आत्मा तो सुषुप्ति में उसको दिखना चाहिए वहाँ नहीं दिखता विशेष ज्ञान होता नहीं वहाँ तो सिद्धांत का नहीं पश्यति तन्न पश्यति देखता हुआ नहीं देखता है वह स्वरूप दृष्टि का अभाव नहीं है विषय का भाव है पश्चिम तन्न पश्चिम नहीं दृष्टि दृष्टि विनाशित हो दृष्टा की जो दृष्टि है या प्रभाता की जो साक्षी है उसका अभाव नहीं होता सुषुप्ति में भी अच्छा दृष्टा रूप जो दृष्टि है उसके कभाव अभी अभाव नहीं होता ये बात है फिर विशेष ज्ञान क्यों नहीं होता उसका अभाव नहीं तो यदि वहाँ है दृष्टा है तो विशेष ज्ञान क्यों नहीं होता कहा था नहीं था द्वितीय वस्तु अस्थि वहाँ द्वितीय वस्तु नहीं है तो अन्य पश्य उस आत्मा से भिन्न कोई हो जो देखे वो वस्तु नहीं है
वस्तु के अभाव होने से वहाँ विशेष विज्ञान नहीं हो रहा है। विशेष विज्ञान का अभाव यह बताया था, यही कहते हैं, ये टिप्पणी बोल रहे हैं। प्राज्ञन आत्मा संपरिस्वक्तस्य प्राज्ञात प्रसाद एक होना कहा था, और यद्वै तन्नपश इत्यादि ना यद्वै तन्नपश इत्यादि के द्वारा विस्तरेण उत्तम विस्तार से कहा तक इसको। अब स्वरूपम उपसंग दे उसका जो स्वरूप है उस वाक्यों का स्वरूप पूर्व जो कहा था उसका स्वरूप का उपसंहार करते हैं। शनील इत्यादि शब्द से कहा स्वच्छ स्वभाव है आत्मा का, शनील मान स्वच्छ ही कहना चाहते हैं। टिप्पणी बाकी है, टिप्पणी कहते हैं यस्माद एवं अन्वय विग्रह का अभ्याम आवित्य का अंतकरण आदि संबंध है। आत्मा का जो अंतकरण आदि के साथ शरीर के साथ अंतकरण आदि के साथ जो संबंध होता है ना आवित्य है, वास्तविक संबंध नहीं है, आत्मा असंग है। यस्माद एवं अन्वय विग्रह का अभ्याम अन्वय और विग्रह लगा करके जागृत स्वप्न में अंतकरण आदि है तो अविद्या के द्वारा उपस्थापित विषय है अंतकरण आदि है तो विशेष विज्ञान होता है। सुषुप्त में अंतकरण आदि का अभाव हो रखा है, विद्या के द्वारा खड़ा की वस्तु नहीं है इसलिए विषय विज्ञान का अभाव होता है, ये अन्य व्यक्ति का ध्यान दिया। और विद्या के द्वारा खड़ा किए गए विषय हो तो विशेष विज्ञान, और वो वस्तु जब न हो विशेष विज्ञान का अभाव, ये अन्य व्यक्ति का। यस्माद एवं अन्य व्यक्ति का अभियान आविद्यक एवं अंतकरण आदि संबंध, आत्मा में जो अंतकरण आदि का सा संबंध भाषता है आविद्यक है, वास्तविक नहीं है, आविद्यक है। तस्माद शरीर आत्मा का स्वरूप तो शरीर है, मान शरीर मान शरीर व स्वच्छ, जैसे जल स्वच्छ होता है इस प्रकार स्वच्छ है आत्मा का स्वरूप, किसी के साथ संबंध नहीं है। विजातीय भेद शून्य शरीर का अर्थ यही है, विजातीय भेद रहित आत्मा से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, कोई वस्तु हो तो आत्मा में उनका भेद आए ऐसा है नहीं, आत्मा ही है विजातीय भेद शून्य। एक शब्द है आगे शरीर एक मान गया एक मान एक सजातीय भेद शून्य, आत्मा जैसा दूसरा कोई है भी नहीं, सजातीय जैसे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ भेद आता है ऐसा भी नहीं है, दूसरा है भी सजातीय भेद शून्य है, एक शब्द आता। अतएव अदृष्टा इसलिए एक ही है देखेगा नहीं, इसे अदृष्टा मूल में ऐसा भी टिप्पणीकार बोलते हैं एको दृष्टा में एका अदृष्टा ऐसा पाठ हो सकता है। अदृष्टा कोई विषय नहीं तो क्या देखेगा, अदृष्टा अथवा यह भी अर्थ होता है दृष्टा भी होता है पाठ, अदृष्टा हो गया विषय का भाव होने से, और दृष्टा कैसे कहेंगे तो कहते हैं जड़त्व संज्ञा व्यावृत्ति फिर आत्मा जड़ होगा, कहते नहीं दृष्टा है जड़ नहीं है इसलिए दृष्टा कहा गया, ऐसा प्रदर्शन करना कहा। कूटस्थ ज्योति ही आत्मा निर्विकार दृष्टि वाला है, ज्योति स्वरूप है। अद्वैत एक रस, अद्वैत है एक रस है, घटना पटना नहीं होता, सुगर भेद संदेह दिया होता अद्वैत पद के द्वारा सुगर भेद भी नहीं, या शास्त्रवाद आदि के द्वारा शरीर में भेद आता है ऐसा भी नहीं है, आप शरीर नहीं है आम शरीर नहीं है शीर शरीर है ऐसा बोला जाता है ऐसा भी नहीं है, एक ही है सुगर भेद भी नहीं सजातीय भेद भी नहीं विजातीय भेद भी नहीं एक ही आत्मा है सिद्ध होता है। जागरण स्वप्न में भी आत्मा एक ही है, ये तो अविद्या के द्वारा खड़ा किया गया जो विषय है इसको लेकर के अन्य होकर के अन्य को देखता इत्यादि बोला गया ठीक है। अतः ऊर्धम इत्यादि पुनः पुनः पृष्ठ से उत्तरम मुनि उक्तवान इति श्रुति रहा, कहते पूर्व में ये बार बार हुआ था इसी में चतुर्दश माने चौदहवें गंडिका से लेकर के शुरू किया था। अतः ऊर्धम विमोक्षा है मुनि जनक बार बार बोल रहे थे, आपने इसका ठीक ठीक उत्तर दिया आगे मेरे लिए मोक्ष के लिए और बताइए ऐसे बोलते रहे ये कहते हैं। अधर्धम इत्यादि पुनः पुनः पृष्ठ से जनक के द्वारा बार बार पूछेगा पूछा गया जो आत्मा है उत्तरम मुनि उक्तवान यदि सुर दिया मुनि ने उत्तर दिया जो राजा जनक बार बार कह रहे थे कि अतः ऊर्धम विमोक्षा मुनि अतः ऊर्धम विमोक्षा मुनि इत्यादि जो कह रहे थे उसको उत्तर दे दिया श्रुति बोलती है एश इत्यादि कहा एस ब्रह्मलोक ये मंत्र में उसका आता है वो यही ब्रह्मलोक है प्राज्ञान में रहा एस ब्रह्मलोक एस पद यत्त पद समीप का वाचक होता है यत्त ये सब यत्त का है एस सन्निहित सुसुप्ति अवस्था
अवस्थान आप अन्य प्रत्यगात्मा, ये ऐसा शब्द के द्वारा किया जाना बिल्कुल समीप में हो उसको एतत् शब्द से बोला जाता है, ऐसा शब्द बोला जाता है। सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हुआ प्रत्येगात्मा को ही ऐसा शब्द से लिया, ऐसा प्रबल होता है, ऐसा पद यही है। सुषुप्ति अवस्था वाला आत्मा ऐसा शब्द का आता है, जागृत वाला नहीं, एक प्रत्येगात्मा ही। अस्य बुद्धियादि उपासक अस्य बुद्धियादि उपाधि का बुद्धियादि उपाधि वाले का वही है प्रत्येगात्मा। ऐसा अतिसंधा वाक्य होता यही अतिसंधा अवस्था का आता सुषुप्ति को लेकर के पहले स्वच्छंद अवस्था पराधीन अवस्था नहीं, जागृत स्वरूप पराधीन अवस्था है, स्वच्छ अवस्था कहा था। यश विज्ञानम यश परमा उत्कृष्ट संपद, जिसका विज्ञान परम उत्कृष्ट संपत्ति है, विभूति है, अकृतकत्व कार्य नहीं, आत्मा की जो यही परम संपत्ति है इसकी सुषुप्ति अवस्था, वो कार्य नहीं अकृत होने से, जो कृत होता है विनाशी होता है, कार्य होगा विनाशी होगा, यह अकृतत्व अनुभूति है, कार्य नहीं। अस्य विज्ञानमय से जो विज्ञान रहेगा यह सब उक्त सुषुप्त परमात्मिक लक्षण परमो मोक्ष रूपो लोक, यही है इसका लोक। विज्ञान में जो आत्मा है बुद्धि में बुद्धि प्राय होकर के चलता है जागरूक स्वप्न में, इसका यह सही जो उक्त जो कहा गया उक्त ऐसा शब्द से कहा गया सुषुप्ति अवस्था में परमात्मिक लक्षण, अभी जीव बन करके घूम रहा है जागरण काल में, यही सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा होता है, परमात्मा स्वरूप परमो मोक्ष रूपो लोक है, यही लोक है इसका सुषुप्ति लोक, ये कहा। अस्य सुषुप्तस्य ये जो सुषुप्त पुरुष है ना इसका ये सर स्वरूपानुभव लक्षण आनंद, कौन सा आनंद होगा उसका स्वरूपानुभव आनंद, विषय आनंद नहीं होगा, विषय है नहीं सुषुप्ति अवस्था में, स्वरूपानुभव माने बिना विषय का भी आनंद होता है, कहाँ देगा सुषुप्ति में देगा, वहाँ कोई विषय नहीं। अस्य सुषुप्त एस स्वरूपानुभव लक्षण आनंद, ये स्वरूपानुभव लक्षण आनंद यही है आनंद, परम आनंद परम विशेषण आनंद, जब साधन असाध्य साधन के द्वारा साध्य नहीं होता, सुषुप्त आनंद जो होता है किसी साधन से साध्य नहीं है, साधन से साध्य जो होगा विनाशी होता है, जागृत स्वप्न में जो आनंद थोड़ा मिलता है नाश हो जाता है, जो साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं, ये कहा स्वरूपानुभव लक्षण आनंद है परम परम विशेषण परमा परमा आनंद कहा था। साधन असाध्यो साधन के द्वारा साध्य नहीं, स्वाभाविक आनंद है। निर्दिशय यावत अतिशय में जहाँ सुषुप्त सुख में कोई अतिशय नहीं होता, राजा को ज्यादा आनंद मिले और प्रजा को कम मिले ऐसा नहीं होता, वहाँ समान है निर्देश आनंद होता सब को समान ऐसा है, ये कहा ये बताते हैं। इसमें वार्तिक भी है सलील एको दृष्टा, इस मंत्र में वार्तिक दिया है सलील एको दृष्टा अद्वैतो भवति यस्य ब्रह्मलोकेति इत्यादि जो मंत्र है इसके ऊपर वार्तिक है, वार्तिकांत वार्तिक लिखा है। अत्र वार्तिकाचार्य आहु तथा वार्तिकाचार्य सुरेश्वराचार्य कहते हैं यद्वैतत् इति उपक्रम्य व्याख्यातुं वस्तु विस्तरात् सलिलादिगिरहतस्य क्रियते त्रोत्पसंहृति कहते हैं। यद्वैतं न पश्यति पश्यद्वैतं न पश्यति इत्यादि के द्वारा जो कहा गया था सात पर्याय में कहा गया था यद्वैतं न पश्यति पूर्व पक्ष रूप से कहा गया, वहाँ देखता नहीं है आत्मा, यदि स्वयं ज्योति रूप होता तो सुषुप्त ज्ञान होना चाहिए क्यों नहीं होता इत्यादि पूछा, कहते हैं उत्तर दिया था पश्चिम पश्चिम देखता हुआ नहीं देखता, स्वरूप का ज्ञान है विषय का अभाव होने से विषय का ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव नहीं है कहा था। यहाँ से कम आरंभ करके व्याख्या तुम जो व्याख्या करने के योग्य पदार्थ हैं जो तेईस से लेकर के 31 तक जो कुछ हुआ देश में कंडिका से 31 नवंबर के कंडिका तक जितने कहा गया वो सबका व्याख्या करने की वस्तु विस्तार उसको उस वस्तु को बताने वाक्य को विस्तार से कहने के लिए सलिलादिग्रह तस्य क्रियते अत्र उपसंहृति विस्तार जो विस्तार से कहा गया जो वस्तु थे उनका ये सलिलादि जो शब्द है यहाँ सलिला एको दृष्टा द्वैता इत्यादि शब्द है इसके द्वारा उसका उपसंहार किया जाता है कहते हैं उपसंहार किया जाता है समाप्ति किया जाता है समाप्ति की जाती है।
अविद्यैवैव तो हेतुर् कार्यकारणतां प्रति सम्यग्ज्ञानात् ज्ञानात् तत् सम्यग्ज्ञानादतस्तस्यां दोस्तायाम् आत्मा कृता। जो कार्यकारण भाव जहाँ होता है, एक कारण है एक कार्य है, ऐसा भाव जागरण है स्वप्न में प्रत्येक में कार्यकारण भाव दिखता है। यह कैसा है? अविद्यैवैव तो हेतु, कार्यकारण भाव के लिए हेतु ही का क्या है? क्या अविद्या ही कारण? अविद्या रहो कार्यकारण भाव नहीं दिखेगा, कहाँ देखा नहीं कि विक्षेप शक्ति नहीं सुषुप्ति में, फिर भी कार्यकारण भाव वहाँ नहीं है। जागरण स्वप्न विक्षेप शक्ति है, रूपांतर दिखाने वाले कार्यकारण भाव है। यह तो हेतु अविद्यैव हेतु, अविद्या ही कारण है इसका। कार्यकारण जो कार्यकारण भाव जहाँ होता हो अविद्या ही कारण है, हेतु वही है। सम्यक ज्ञानात तस्याम दोस्तायाम आत्मात्मा, सम्यक ज्ञान होने पर, सम्यक प्रकार से अपना स्वरूप ज्ञान होने पर, अतः तस्याम दोस्तायाम उस अविद्या नष्ट हो जाने पर आत्मात्मा, आत्मात्र सिद्ध होता है उसका, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु सिद्ध नहीं होता। सम्यक ज्ञान के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान के द्वारा अविद्या ध्वस्त हो जाने पर आत्ममात्र ही है, क्योंकि कार्यकारण भाव जहाँ दिखता हो अविद्या वहाँ हेतु है। अविद्या नष्ट हो गई, कार्यकारण भाव दिखाने वाले अविद्या नष्ट हो गई सम्यक ज्ञान के द्वारा, उसमें आत्ममात्र बचता है, आत्ममात्रता का। ना विद्यामनुपादाय प्रतिचोदात्मसंगति यतो विध्वंस एतस्य नात्मनोऽवशिष्यते। अविद्याम अनुपादाय, अविद्या को लिए बिना, ग्रहण किए बिना प्रतिचा आत्मा अनात्म संगति न, देहादि के साथ संबंध, अनात्म वस्तु के साथ संबंध होना संभव नहीं है। अज्ञान के लिए बिना आत्मा का देहादि के साथ संबंध होना संभव नहीं है। मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, यह अविद्या के कारण है। अविद्या के लिए बिना आत्मा का अनात्म संगति मन संबंध न, अनात्म संगति शरीर आदि के साथ संबंध होना संभव नहीं है, अविद्या को लेकर है। यह तो विध्वंस है तस्य, जिस काल में आत्मज्ञान के द्वारा उसका नाश कर दिया गया अविद्या का, उस काल में ना आत्मनोन्यो अविशेष थे, फिर कहते हैं उस काल में आत्मा से अन्य शेष बचेगा ही, आत्मा से कोई शेष अन्य बचता नहीं उस काल। क्यों? अविद्या को लिए बिना आत्मा का अनात्मा के साथ संबंध होना संभव नहीं है, अविद्या का कार्य है वो। और आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या नष्ट होने पर उनके साथ कोई आत्मात्र शेष बचेगा और रहेगा ही नहीं कोई, ये कह रहे हैं। स्वतोपबोध मात्रत्वात् कुतो विद्यादि संपूर्ति तस्मात् सलिलवत् शुद्ध कार्य कारण हानतः। स्वतो अवबोध मात्रत्वात्, आत्मा का स्वरूप ज्ञान मात्र है, अवबोध मात्र है, स्वरूप है स्वतः आत्मा का स्वभाव, ये देहादि स्वभाव नहीं है, मैं मनुष्य हूँ, आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञान मात्र स्वभाव है। स्वतो अवबोध मात्रत्वात् कुतो अविद्यादि संपूर्ति, अविद्यादि के साथ संबंध कैसे होगा आत्मा का? तस्मात शरीरवत शुद्ध, इसलिए आत्मा कैसा है? जैसे जल शुद्ध है वैसे आत्मा भी शुद्ध है, शरीरवत शुद्ध, शरीरवत जल, जलवत है। कार्यकारण हानता, क्यों? आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या नष्ट हो जाने से कार्यकारण भाव समाप्त हो गया। कार्यकारण को ही संसार कहा जाता है, प्रत्येक वस्तु में ये कारण है, कार्य है, यही दिखाई पड़ता है, ये इससे बना है, इसे बनेगा, यही भाव होता है, कार्यकारण भाव होता है, श्रृंखला यही होती वस्तु में। कार्यकारण का नाश होने से तो शरीर शरीर के समान, शरीर के समान शुद्ध है आत्मा, यही कहा। अंतरेणापि संबंधम कार्यकारण वस्तु न स्वतो नेकात्मक तत्स्यात् इत्यासंज्ञा पर उच्यते। पूर्वादि की एक शंका होती थी, पूर्वादि शंका की शंका ये थी कि बिना संबंध भी कार्यकारण वस्तु न स्वतो अनेकात्मक, आत्मा कार्यकारण वस्तु के साथ संबंध होकर के अनेक दिखता है कहा था, नहीं स्वाभाविक अनेक है आत्मा, ये पूर्वादि की शंका थी, भक्ति प्रपंच की शंका थी। कार्यकारण वस्तु न संबंध अंतरिया, कार्यकारण वस्तु के साथ संबंध न होने पर भी स्वतो अनेकात्मत्वम तत्व नश्या ले लिया, स्वाभाविक से अपने आप अनेक रूप क्यों न हो आत्मा का, ये शंका की थी। इसके उत्तर दिया जाता है, कहा जाता है, कहते हैं उत्तर कहा जाता है, न कपितादिवत तत्व स्वतो नेक स्वभावक उक्त शरीरवत तस्मा एक प्रभृति ही कहते हैं। कपित फल होता है, अनेक रंग वाला होता है, अनेक वर्ण होगा उसमें, कपित नाम का फल होता है, जैसे अनेक वर्ण का होता है ऐसे अनेक रूप है उसका, ऐसा आत्मा का अनेक रूप नहीं है, कपित्त के समान। ये दृष्टांत दिया,
कपित्थादिवत न तत्व आत्मा तत्व तो कपित्था आदि के समान नहीं है, अनेक रूप वाला नहीं है, स्वतो अनेक स्वभाव पुरुष स्वाभाविक रूप से अनेक स्वभाव अनेक रूप वाला आत्मा नहीं है, अनेक स्वभाव वाला नहीं है, एक ही स्वभाव है शरीरवत सुनता है। उक्त शरीरवत तस्मात इसी कारण से कहा पूर्व में कहा शरीरवत कहा आत्मा कैसा है जल जैसा है स्वच्छ है अनेक रूप वाला नहीं। एक इति अपवृत श्रुति इसी को एक शब्द ने कहा सलीला एक मंत्र में एक शब्द का अर्थ यही होता है एक होता है ये श्रुति ने कहा आत्मा एक सजातीय निषेध वा एक शब्द भण्यते सलीलोक्त्या विजातीय संबंधो ही निवारित अथवा एक शब्द के द्वारा सजातीय भेद का निषेध किया जाता है माने आत्मा जैसा दूसरा आत्मा नहीं है आत्मा एक ही है जैसे दो मनुष्य होता है एक मनुष्य से वो मनुष्य भिन्न होता है एक ही जाति में है ऐसा आत्मा का दूसरी जाति नहीं है एक ही है एक शब्द इसके लिए आत्मा। और शरीरोक्त्या शरीर शब्द के द्वारा शरीर शब्द के द्वारा विजातीय संबंध ही दिमाग विजातीय संबंध का आत्मा से भिन्न दूसरे प्रकार की जाति नहीं विजातीय संबंध का निषेध है कहा एक शब्दों न संख्यार्थ संख्या संभवाद यह अद्वितीय तथा तो द्वितीय अर्थ निषेध था एक शब्द आगे शलील एको ये जो एक शब्द आया एक शब्द माने संख्या में प्रयुक्त होता है एकम पुस्तकम एक पुस्तक है माने एकत्व तो संख्या इसमें है ये पुस्तक ऐसा बोला जाता है ये संख्या के लिए नहीं किसी विषय को बताने के लिए एक शब्द नहीं बताया गया ये कहते हैं एक शब्द और संख्या था संख्यावाचक नहीं है एक शब्द एक दिया हुआ है संख्या असंभव आदि है या आत्मा में संख्या होना संभव संख्या विशिष्ट जो होता है उसको संख्या कहा जाता है आत्मा संख्या संख्या विशिष्ट है ही नहीं संख्या विशिष्ट होगा तो द्वैत हो जाएगा संख्या और आत्मा तो एक शब्द यहाँ संख्यावाचक नहीं है आत्मा में अद्वितीय अर्थ था एक अर्थ अद्वितीय कहने के लिए किसका कहने के लिए द्वितीय नहीं है कहने के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया अद्वितीयार्थ था वह अतो द्वितीयार्थ निषेध था द्वितीय वस्तु का निषेध के द्वारा ये अद्वैत सिद्धि के लिए एक कहा गया है या संख्या नहीं संख्या में प्रयुक्त नहीं हुआ एक शब्द का सदैव इत्यादि आचार्य तथा सत्य विरुद्धतः प्रत्येक मात्रा वसायित्व प्रत्येक दृष्टे यतस्ततः अकार स्वभावत्व अदृष्टत्व विधीयते कहते हैं सदैव सौम्य इतमग्रे आसीत एकम अद्वितीयम छात्रों में कहा गया था एकम एव अद्वितीयम ऐसा कहा था एकम सजातीय भेद शून्यम एकम एव एवकार से सजातीय भेद होगा क्या विजातीय भेद निषेध के लिए स्वगत भेद एक शब्द से स्वगत भेद एवं शब्द से सजातीय भेद का निषेध और अद्वितीय से विजातीय भेद का निषेध किया था सदैव सौम्य इतमग्रे आसीत सदैव इत्यादि अश्य आत्मा का तथा सति अविरुद्धता यहाँ भी ऐसे ही करेंगे सलील का अर्थ विजातीय भेद रहित करेंगे और एक का अर्थ सजातीय भेद से रहित करेंगे और अद्वैत शब्द का अर्थ स्वगत भेद से रहित करेंगे तब उसके साथ में एक वाक्य हो जाएगा सदैव सौम्य आसन के साथ एक कहा सदैव इत्यादि अश्य हिसाब इस वाक्य का तथा सती अविरुद्ध विरोध नहीं आएगा ये बताया प्रत्येक मात्रा वसायित्व प्रत्येक दृष्टि अकारक स्वभावत्व अदृष्टा इति अभिधीयते आत्मा का स्वभाव दृष्टित्व श्रोतृत्व स्वभाव भी नहीं है वास्तव में प्रत्येक मात्र वसायित्व प्रत्येक दृष्टि से प्रत्येक दृष्टि कहा वो प्रत्येक दृष्टि होने से प्रत्येक मात्र स्वरूप ही है इसका उसमें अवसान हो जाता है भाई प्रत्येक मात्र आत्ममात्र में सिद्ध होता है दृष्टित्व आदि में सिद्ध नहीं होता कहा अकारक स्वभाव तथ्य कुछ देखने वाला कारक बने कर्ता बने तो दृष्टा बोला जाता है आत्मा अकारक स्वभाव है दृष्टा बने कारक देखने वाले को कारक दृष्टा बोला जाता है क्यों आत्मा अकारक स्वभाव है कारक नहीं जो दृष्टा बनता है कारक माना जाता है किंतु आत्मा कारक स्वभाव नहीं है इसलिए अद्रष्टा इति अभिधीयते यहाँ पर एको अद्रष्टा ऐसा पदछेद का
दृष्टा नहीं मानना, अदृष्टा मानना सुनते थे ऐसा कहा गया। ये बोलते भारत का अदृष्टा एक अभिधि कहा यत्र ही द्वैतमित्युक्ते यत्र द्वस्येति चेरणा स्वतः पूर्णात्मक ज्योति अदृष्टा इति अभिधीयते। यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति इतर इतर जिग्रति इत्यादि पूर्व में आया था। जब द्वैत जैसा होता हो, द्वैत में वास्तव में जैसा होता हो, वह अन्य होकर के अन्य को देखता है, अन्य होकर अन्य को सुनता है इत्यादि कहा था। यत्र ही द्वैतम इव भवति, कहा होता है द्वैत जागरण स्वप्न में होता है, अविद्या के कारण उपस्थापित द्वैत होने से द्वैत जैसा होता है, वहाँ इतर होकर के इतर को देखता है, अन्य होकर के अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है इत्यादि कहा गया। और यत्रत्वस्य च ईरणा, यत्रत्वस्य सर्वम आत्मविभाग आत्मविभाभूत तत्केलकम पश्यति के तत्केलकम श्रुणुयात इत्यादि। जिस काल में सबके सब आत्मवात्र ही हो गए, सब बध करके बाध हो गया सबका, सुषुप्ति में थे, वहाँ किसको कौन देखेगा, वस्तु ही नहीं देखने का इत्यादि। दोनों प्रकार के शब्द आए, यत्र ही द्वैतम इति उक्ते, द्वैतम इव भवति, जिस काल में द्वैत जैसा होता है वहाँ इतर होकर के इतर को देखता है इत्यादि कहा था। और यत्र तु सर्वम आत्मैव भूत, सबके साथ आत्मा मात्र ही हो गए जिस अवस्था में, वहाँ तत्केन कम पश्य, किसके द्वारा किसको देखेगा इत्यादि वाक्य थे इत्यादि कहा। तो स्वतः पूर्णात्मक वस्तु, आत्मा जो है ना स्वयं कैसा पूर्ण स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, पूर्णात्मक वस्तु ज्योति अदृष्टा ही देवते, ज्योति अदृष्टा कहा जाता है आत्मा को, द्वैत है ही नहीं किसको देखेगा, इसलिए आत्मा को अदृष्टा कहा गया, कहा जाता है। कहा समय हो गया है, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।